नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कार देखो में। और आपके सामने अभी है दी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफ द 2022 मारुति ब्रेजा। और इस वीडियो में हम आपको एक छोटा सा वॉक थ्रू दे देंगे ऑफ दिस ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको दिखाई देगा एनालॉग टैकोमीटर या फिर रेव काउंटर, उसके नीचे है इंजन टेम्परेचर गेज। राइट साइड में है यहाँ पर एनालॉग स्पीडोमीटर, उसके नीचे है फ्यूल गेज। अब इस मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले में आपको कलर ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पर आपको एक क्विक रन थ्रू दे देते हैं कि क्या क्या डिस्प्लेस है और क्या क्या फंक्शनलिटीज आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो टॉप लेफ्ट में आपको दिखाई देगा द टाइम, यहाँ पर है आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले, यहाँ पर फ्यूल एफिशिएंसी की रीड आउट है, रियल टाइम रेंज, और यहाँ पर ट्रिप मीटर भी है। और ट्रिप रीसेट करने के लिए यहाँ पर जो लेफ्ट साइड का स्टॉक है वही यूज करना पड़ेगा। तो इफ आई गो अहेड एंड प्रेस एंड होल्ड दिस, तो वो सेटिंग हो गई जीरो। तो अब यहाँ पर एक सिंगल प्रेस करने से इस राइट साइड के स्टॉक पर यहाँ पर आपको और डिस्प्लेस मिल जाता है फॉर द फ्यूल एफिशिएंसी एंड द ड्राइव सिस्टम। यहाँ पर एवरेज स्पीड, ड्राइविंग टाइम वगैरह के डिस्प्लेस आपको दिखाई देंगे, टोटल आइडल स्टॉप टाइम, टोटल आइडल फ्यूल सेव, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप का फंक्शनैलिटी मिल जाता है, तो उसके दौरान आप कितना फ्यूल सेव करते हैं वो भी आपको यहाँ पर पता लग जाएगा। यहाँ पर दिखाई देगा आपको एक एनालॉग क्लॉक, फ्रंट एंड रियर मोशन। तो ये ड्राइव करते वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसिकली एक जी फोर्स मीटर, तो एक्सेलरेट करेंगे तो यहाँ पर नीचे की तरफ चली जाएगी, ब्रेक करेंगे तो आगे की तरफ चलेगी, टर्न्स के समय भी। एक बेसिकली एक गिमिक है पर काफी एंटरटेनिंग चीज भी है। यहाँ पर आपको पावर और टॉर्क गेजेस दिखाई देंगे, तो जैसे कि आप रेव करेंगे यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा कि कितना पावर या टॉर्क यूज हो रहा है। अगेन इट्स मोर ऑफ अ गिमिक देन समथिंग यूजफुल। यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन के मेट्रिक्स मिल जाएंगे, तो जितना आपने थ्रॉटल दिया है इनपुट वो भी बार ग्राफ स्टाइल यहाँ पर दिखाई देगा। और यहाँ पर है माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम का फ्लो, तो जैसे ही आप एक्सेलरेट करेंगे तो फिर मोटर इंजन से कैसे फ्लो होता है पावर टू द व्हील्स, मोटर से बैटरी की तरफ, वो सारी डिस्प्लेस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे ऑफ द माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम। और यहाँ पर एक बार हम लॉन्ग प्रेस कर देंगे तो आपको अलग अलग और ऑप्शंस मिल जाते हैं सब यूनिट्स में, तो डिस्टेंस यूनिट KM या माइल्स, फ्यूल इकोनॉमी, यहाँ पर जो आपको लीटर्स पर 100 किलोमीटर, माइल्स पर गैलन, किलोमीटर्स पर लीटर, वो सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। लैंग्वेज सेटिंग्स में आपको अलग अलग यहाँ पर लैंग्वेजेस मिल जाते हैं, जहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम में सिर्फ इंग्लिश और हिंदी है, यहाँ पर आपको फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, इटालियन, रशियन, टर्किश, काफी सारे अलग अलग भाषाएं दिख जाएंगी। फ्यूल रीसेट आफ्टर रिफ्यूल विद ट्रिप एंड मैन्युअली, बेसिकली आपके फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम की आपका कोई कैलकुलेशंस करने होंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे। टेम्परेचर डिस्प्ले आप डिग्रीज फारेनहाइट या सेल्सियस, सेट सेंसर्स, डोर लॉक सिस्टम का भी यहाँ पर आपको सेटिंग, डोर अनलॉक, ऑटो अनलॉक, ऑन ऑफ करना हो तो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। लाइट्स में लेन चेंज इंडिकेटर, एम्बियंट मोड, एम्बियंट लेवल वगैरह यहाँ पर आपको डिस्प्लेस दिखाई देंगे। गाइड मी लाइट, एंटी थेफ्ट सिस्टम, आइडल स्टार्ट AC, यहाँ पर उसका भी सेटिंग आपको दिखाई देगा कि आपको कौन से मोड पर रखना है। डिस्प्ले आइटम में आएंगे तो कार कलर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डोर अजार वार्निंग जो आ जाता है उसमें गाड़ी दिखाई देती है, तो उस गाड़ी का भी कलर आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो एक बार वो सेटिंग आपने एक्टिवेट कर दिया हो तो वो सारे डिस्प्लेज आपको रियल टाइम में दिखाई देंगे वंस यू कम बैक टू द होम पेज। रीजन डिस्प्ले अगेन यहाँ पर आपको ऑन ऑफ को मिल जाता है, पार्किंग सेंसर्स का भी यहाँ पर डिस्प्ले ऑन ऑफ आपको दिखाई देगा। एंड दिस इज द लॉन्ग एंड शॉर्ट of the driver information system that you are getting with the new Maruti Brezza. Of course, यहाँ पर इंटरक्टिविटी बहुत ही अच्छी और काफी सारे अलग अलग डिस्प्लेस आपको दिखाई देंगे। एंड यस, अगर आप हेडलाइट स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर रियोस्टैट भी कंट्रोल आपको मिल जाता है, तो इफ यू ट्विस्ट द स्टॉक टुवर्ड्स द लेफ्ट आपको ब्राइटनेस इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं लेफ्ट या राइट की तरफ। ये जरूर कहना पड़ेगा कि डिस्प्ले काफी इंटरक्टिव है, लेकिन काफी सारे फंक्शन जो है जो सब मेन्यूज में हमने देखे थे उनके लिए अगर स्टीयरिंग मॉडल कंट्रोल्स मिल जाते हैं तो फिर थोड़ा और ऑपरेशन आसान हो जाता है। बट ओवरऑल वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले।